दोस्त कितने का ये बेच दिए आपने? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अली बराबर आपके साथ है और मैं आज शहर के मुजाफात में मौजूद हूँ। मुझे कल परसों एक सजेशन मौसूल हुई कि सर मवेशी मंडी लगती है और बुध के रोज़ लगती है। मेरे दोस्त आपने थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, बुध का रोज़ भी ठीक था लेकिन मुकाम ठीक नहीं था। आपने कहा खिप्रो स्टैंड, ये सर शहर के मुजाफात में शिफ्ट हो चुकी है, काफ़ी दूर है। काफ़ी तगोदो के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ और जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ पर मुर्गियों का कारोबार हो रहा है सर। और कोई ज़माना हुआ करता था जब गाँव देहात तो छोड़ शहरों में भी बाज़ार लगा करते थे और दूर दराज से लोग आया करते थे वहाँ पर और अपने सामान कुछ भी, इवन गंदम भी बेचनी है उन्होंने, कपास, अपने कोई भी क्रॉप है, अपने मवेशी हैं, ढोर डंगर हैं, मुर्गियाँ हैं, तीतर हैं, बटेर हैं, तो वहाँ बेचकर और वहीं फिर खाने पीने की चीज़ों के भी बाज़ार हुआ करते थे जहाँ से वो ख़रीद कर राशन अपने घरों के लिए लेकर जाया करते थे। तो ये इसी तरह का यहाँ पर समा है और यहाँ पर ख़रीदार अगर शहर के हैं तो उनमें से बड़ी तादाद गाँव देहात की भी है जो अपने माल मवेशी लेकर अपनी जो भी उनकी मसनूआत हैं वो लेकर यहाँ पहुँचे हुए और बेच रहे हैं सर। हाँ दोस्त कितने का ये बेच दिए आपने, खरीदे हैं बच्चों के साथ? और बच्चे किसके हैं, ये मुर्गी के हैं या तीतर के हैं? इसी मुर्गी के बच्चे हैं, ठीक है, बच्चों वाली मुर्गी है। आ चाचू कितने का है ये? 2000 रुपए के बच्चों समेत। बच्चे को अलग ले जाए तो माँ से जुदा कर दें? अच्छा ठीक है। हाँ ये देख लिए मैंने। कितने का है? 3500 रुपए का। लड़ने वाला है? हाँ, गोश्त खाने वाला नहीं है? सही। अच्छा हवा गणेश हुआ पंटी पंजबी सस्तो तो मांगो भी डे पंटी सो दो ये ठीक का। कौन सलाम खैरियत से हो? इसको ही भर लो उस्ताद। अरे इसको ये तो ये सोए हुए हैं क्या? ये सोए हुए हैं क्या? हाँ इसको भी ले। अरे वाह वाह वाह, ये क्या चीज़ है यार? चकोर, ये चकोर तो काले रंग की नहीं होती? अच्छा ये काले वाली, ये सफेद वाली है, देखो बाहर कैसी वाइट दिखती है। अरे निकाल यार इसको बाहर निकाल। जबरदस्त। अच्छी है, कितने की है ये? 5000 रुपए जोड़ा। 5000 रुपए का जोड़ा नरमादी? नरमादी 3500 का, काले वाला। काले वाला 3500 का, व्हाइट वाला 5000 का, ठीक है। और ये वाले मुर्गे? ये मुर्गे खरीदे हुए हैदराबाद। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बीमार लग रहे हैं यार। नहीं ये बंदे में। अच्छा बंदे में, आज़ाद करो यार। कितने की जोड़ी है लाला, कितने की जोड़ी है? 500 की। सस्ते हैं? किसकी कह रही तुम्हारी? यार इधर सूरज आ रहा है, इधर ठीक है ठीक है। तीतर वीतर दिखाओ यार, तीतर का, तीतर का काला तीतर नायाब होता है, ये सफ़ेद वाले तो आम मिल जाते हैं और ये काले वाला महंगा होगा। कितने का चाहिए काले वाला?
8000 रुपए का माशाल्लाह। और ये दो सफेद वाले 6000 रुपए की जोड़ी, नर मादा है, जबरदस्त। अच्छा ये बच्चे बच्चे इनका ब्रीड जो होती है, ब्रीड है इनकी दोस्ती? मियां बीवी है। अच्छा मियां बीवी है, सही है सही है, ठीक है। इनका तो कोई निकाह फार्म भी नहीं पूछेगा? नहीं, तो अपना निकाह होता है, निकाह नहीं है। इनका सही है, इनका कुदरती निकाह है, नेचुरल है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, एक ही रेट है या धार धार है, अलग अलग है? रेट अलग अलग है, अलग अलग है। अच्छा मथे वारो 550 जो है, ये बच्चा है बच्चा इन्हें जाई? ठीक है ठीक है। 550 एक जोड़ी 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 माशाल्लाह, 550 की जोड़ी यानी ही केड़ी है? ये कुकड़ी है 5000 की। 5000 बड़ी नस्ल है? बड़ी नस्ल 5000 जी। ये पांचों जातियों पाल्यो था या घणी ईंदा था भी व्यापार? व्यापार उठाए खपाई तो। अच्छा ठीक है ठीक है, दोस्तन जा सही सही ठीक ठीक। मंडी में मुख्तलिफ शोबे हैं, ये जो शोबा है यहाँ पर सिर्फ मुर्गियाँ हैं, तीतर हैं, तोते, कबूतर, और जो बाकी माल मवेशी हैं, ढोर डंगर जिन्हें कहते हैं, बकरियाँ या भैंसें या गाय वगैरह, वो दूसरे पोर्शन में, तो वहाँ चलते हैं। इतने लोगों में नहीं शर्मा रहा तू यार? नहीं बन रही। खायो बकरे का गोश्त, खायो बकरे का गोश्त, अच्छो बाबा चो खायो, 1.5 रुपए में ढोती हो, 1.5 रुपए में ढोती हो, हल बाबा टोपी आरो, टुआल आरो, चादर आरो, जेकी डारो, सब समझदार है, डाचो मुझेरी। थैंक यू। एक इस्लामी मुल्क है टर्की, तुर्की भी कहते हैं, पता नहीं इस टर्की का उससे कोई ताल्लुक है या नहीं, लेकिन इसे भी टर्की कहा जाता है। और ये सर वाकई वो जो छोटी हमने एक चकोर दिखाई थी आपको, ये हलाल जानवर होता है ना? जी, जी, जी। ये हलाल जानवर है। और इसका गोश्त कहाँ, पाकिस्तान में तो नहीं खाया जाता? नहीं खाया जाता। खाया जाता है जी। तो बड़ा महंगा नहीं पड़ता? महंगा। कितने की है ये? 20 का है। 20000 का जोड़ा, नर मादा है? नर मादा है। सही सही। अच्छा ब्रीड यानी कि हो रही है इसकी? गुड गुड। और ये कितने का, 20 का पता है? सस्ता है, इतना महंगा नहीं है? नहीं महंगा नहीं, चीज़ नायाब भाई है। नॉर्मली मैंने, मुझे नहीं लगता टर्की देखे हुए कितना अरसा हो गया यार, चिड़ियाघर में ही देखी है, तो टर्की भी यहाँ बिक्री। अच्छा एक ही जोड़ा लाए और ये और भी कोई लाया? नहीं अभी एक ही है हमारे। अच्छा आपके पास एक ही है, ठीक है भाई। 20000 रुपए का ये जोड़ा दे रहे हैं और आए लोग पूछ रहे हैं कोई कस्टमर वगैरह, कुछ समझ नहीं रहा ना इसको, वो देख ही पहली बार रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, पूछ रहे हैं हमसे ये क्या चीज़ है ये। तो भाई ये टर्की, टर्की है, टर्की या टर्की? टर्की, टर्की, ये टर्की है। अच्छा हाँ, आप मुझे अपना अपना कॉन्टेक्ट नंबर, मैं टर्की नंबर कह रहा था, अपना कॉन्टेक्ट नंबर मुझे दे दें, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऑल ओवर मैंने आपको टर्की दिखाई है। मीरपुखास में रहते हैं आप? जी जी। मीरपुखास में भाई रहते हैं, यहाँ पर लेकर आए हैं, तो वो कह रहे हैं यार कस्टमर जो यहाँ के वो इसे समझ नहीं पा रहे कि वो क्या चीज़ है। तो अगर आप में से कोई दिलचस्पी रखता है और वो मीरपुखास से या मीरपुखास के सराउंडिंग से उसका कोई ताल्लुक हो, तो मैं भाई का कॉन्टैक्ट नंबर ले रहा हूँ, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। कैसा है हलवा, कैसा है? हाँ अच्छा, गाजर का हलवा भी है और वो कौन सा सर, सूजी वाला हलवा अंकल? गुड। और क्या पाव चल रहा है ये? 60 रुपये, बहुत सस्ता है यार, शहर में तो महंगा है, 150 रुपये। और गाजर वाला? गाजर वाला 100 रुपये पा जाए। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। गाजर हलवा सतीना ले लो। तो गाजर का और सूजी का हलवा, और ये वाली मिठाइयाँ सर किसने खाई हैं? ओए याद आया कुछ? ये पिशावरी मिठाई, पिशावरी मिठाई है लाला खान भाई, पिशावर स्वाद है, पिशावरी सौगात लेकर आए खान भाई, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ओ मैं जा रहा हूँ उस तरफ जहाँ पर बकरियाँ वगैरह हैं। थोड़ा जोड़ी 3000 जी, ठीक है। जानवर कितने का मिल रहा है आपको ये घने जो? अब ये रो 13 को मसलों को नहीं, 13 उन भी 12 बुदा है, 13 बुदा है, 13 घने किलो तो 12 किलो जो आए।
और ये वो है जहाँ पर सिर्फ जानवर हैं, भेड़े बकरियाँ। और ये हैं जनाब भेड़े। अच्छा ये जो भेड़ दुम्बो छा है केरा भेड़ हमें भेड़ भेड़ दुखिया दुखी ये घने जी ये 22000 22000 बकरे का सस्ती है। हाँ अच्छा शौक वाला बनाओ ना ऐसा। अच्छा वो काटने वाली है। हाँ वो काटने वाली काटू का माल। अच्छा ये शौक वाला जो पालने वाला है शौक वाला है सारा। और ये जो बड़ी जो कपरी नस्ल होती है वो जो बड़े वो आगे आगे ये नहीं ये ली ये ली ये सारा टपरी नस्ल नहीं। ये कितने का है ये देखो ये हमारा बलोचिस्तान का बंदा है। अरे जियो जियो बलोच जियो बलोच जियो बलोच कितने का बलोच भाई ये कितने का है कौन सा ये वाला ये वाला। हाँ ये 27000 का है। सस्ता यार माल सस्ता है माल में रेट इतना क्या कह रहे हो यार प्रेग्नेंट है। हाँ ये देखो ये बकरी ये तकरीबन 30-32 का करीब है। सस्ता है यार इतना महंगा नहीं है। बकरियों के रेट मुझे ज्यादा नहीं लग रहे यहाँ पर ना गणेश बाबा। अट्ठा 60000 होने चाहिए 30000 जी यार 60000 जी। ये केड़ी नस्ल है पडेरी टंडो आदमबारी इनकी चमदन ठीक का सही है। तो भाई आपको जैसे मैंने वो रोड पर दिखाया था सड़क पर वहाँ पर तो 12-13000 से लेकर 12-13 किलो वाला। और ये जो नस्ल है जिसके लंबे बाल लंबे इसके कान होते हैं ये देखें ना लंबे कान वाली है ये 60000 रुपये की। और ये बकरी है ना। हाँ ठीक है प्रेग्नेंट तो कौन है प्रेग्नेंट है डुकी डुकी। हाँ प्रेग्नेंट ये प्रेग्नेंट है भाई और 60000 रुपये इसकी कीमत है। अरे मासूम बच्चे बार अलग है ना बकरी से गड है बकरी से गड है तो वो बारन इन्हें जी माँ जी सजी जी कीमत घनी हुई 25000 रुपये जी बकरी भी गद है ये बार घना है ना हिकड़ो बार हिकड़ो। अच्छा टे बकरियों टे बार अलग अलग धार धार हैं। ठीक है ठीक है ठीक है बहुत खूबसूरत बच्चे हैं यार माशाल्लाह नाइस। पूरे मीडिया में पूरी दुनिया में चलेगा कोई बच्चा नीचे आ जाए पूरी दुनिया में चलेगा धनी जो भी हिंदो। थैंक यू ओ ये तो माशाल्लाह खूबसूरत यार खूबसूरत है सही केड़ी नसल आई कैप्री ये तो हरण लपे लगे ना। हाँ कैप्री हरण वारी नस्ल है सर जी। हाँ जबरदस्त। हाँ ये बिल्कुल हरण के जो ममासिल हैं इसके सींग भी देखें आप माशाल्लाह खूबसूरत यार। घने जी आए बा। हाँ वो भी सुठी है वो जबरदस्त है। घने जी अपना 18000 का पुट्ठा मांग रहे हैं 8 बकरियां पकड़े समय साथ में हिकड़ी एक एक जो है वो 18000 की। हाँ टोटल 8 पुट्ठे के साथ भी तो 18 का दाना टोटल हिसाब करने कितने बनते हैं। हाँ समझ गया एक यानी कि पीस जो है एक जानवर जो है वो 18000 रुपए का। जबरदस्त अच्छा है खूबसूरत है पालने वाला है शौक वाला है ये। हाँ हाँ अच्छा बकरा भी इनके इनका जो वो हस्बैंड है हस्बैंड भी साथ है जबरदस्त अच्छी है यार माशाल्लाह खूबसूरत। और ये को नस्ल कौन सी कहलाती है। ये हैदराबादी टापरी कहलाती है। हैदराबादी टापरी सही। और वो नस्ल भी है ये कौन सी। अच्छा 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 गुड यार। और ये भी माशाल्लाह सब शौकीन नस्लें माशाल्लाह खूबसूरत और शौक में पालने वाले हैं। और ये जो धनी है धनी साहब ऐसे ही कमाल है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ मुझे बताए तो नस्लों केड़ी हैं। टापरो टापरो नस्ल गलियारो गलियारो टापरो नस्ल हैदराबादी नस्ल हैदराबादी टापरी जी जी ठीक है आए ना खूबसूरत यार।
जहाँ नॉर्मल बकरियाँ हैं, आम बकरियाँ, वहीं खूबसूरत नस्लों वाली बकरियाँ भी हैं। दो बकरियों की आपने नस्लें देखी, हैदराबादी टापरी वो कह रहे हैं इसे अपनी ज़ुबान में, मैं तो पहली बार नाम सुन रहा हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं इनके बारे में, लेकिन वो बिल्कुल हरन के ममासिल जैसे वो लग रही हैं, खूबसूरत हैं। और यहीं पर फिर खाने पीने की चीज़ें भी होती हैं, एक होटल लगा हुआ फर्शी होटल, सर ये भी ज़िंदगी है, ये एक फर्शी होटल है और चाय है और केक वगैरह, नाश्ता करके नहीं क्योंकि लोग सुबह सवेरे आ जाते हैं यहाँ पर, तो उसके बाद फिर दोपहर तक यही काम चलता है, तो यहीं पर चाय का। और बुध के रोज़ ही आते होंगे, हिकड़ो डी ईंदा आयो, हिकड़ो डी ईंदा आयो, अरे मूडन यार, हिकड़ो डी ईंदा आयो हफ्ते में, दो बाकी पीढ़ी में ईंदा आयो, सही सही सही। हाणे किथे लॻंदी पीढ़ी? कल सांगड़, तव्हां सांगड़ हलाए वेंदो, ठीक है। और कल भाई ये सांगड़ चले जाएंगे, यहाँ से पीढ़ियों में घूमेंगे और पीढ़ियों में कारोबार करेंगे। पीढ़ी कहते हैं इसे, मवेशी मंडी हम लोग कह रहे हैं ना, तो मवेशी मंडी को सिंधी में ये पीढ़ी कहते हैं। तो पीढ़ियों पर ही जो कारोबार करने वाले पीढ़ियों पर कारोबार करते हैं, वो फिर शहर के ज़िले के बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में जो पीढ़ियाँ लगती हैं मुख्तलिफ दिनों पर। सर सर ये भी कमाल है सर, माशाल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरत है। कड़ी नसल है सही? गुलाबी। अरे सोनो लगे तो यार मुखे गुलाबी जोड़े में, यो ही थी गुलाबी जोड़ो, जबरदस्त। और अब मैं जा रहा हूँ जहाँ पर बड़े जानवर हैं, भैंसें गाय वगैरह, और ये वो आलात हैं जिनसे ज़मीनों में बुआई की जाती है, दरांती, कुल्हाड़ी, रंबा, सही इनके छा चवंदा रंबो, रंबो रंबा, हाँ रंबो रिम्बो रिम्बो, ई छा है तालनी, टिप्पणी, डाटा, सही है, ठीक है सर। और ये दूसरा पोर्शन है मंडी का, मवेशी मंडी का, देख रहे हैं रश आप यहाँ पर, और यहाँ पर सब बड़े जानवर हैं, गाय भैंसें बैल, ज़्यादातर मुझे इस पोर्शन में भैंसें नज़र आ रही हैं। मैं हूँ सिंधी में चवंदा ने, मैं हूँ मैं अदा केड़ी नसल जी आई, हाँ बाबा सोना सोना केड़ी नसल आई, भिल आए घणे जी, एक लख सठ जी बार भी गड़ा नौ जायल, ठीक है भाई। ये नई बच्चे के साथ है, बच्चा दिया इसने, और यानी कि दूध इसके थनों में भरा हुआ नज़र आ रहा है, बल्कि टपक रहा है, तो 1,60,000 रुपये इसकी कीमत है, ठीक है। गाय भी हैं यहाँ पर, हाँ ही कड़ी नसल सोना, ही कड़ी नसल माशाल्लाह, कड़ी नसल है सना, विकनी छड़ी ये विकनी छड़ी ना ना कौन विकनी हो बाबा, हां ठीक है अन्या बैठी हो, हां हां नसल केड़ी आने बुदा है, नसल तो है तो पतिंगा, हां वो सिंधी है, वो सिंधी है। अच्छा ये कीमत इन जी घणी है ये, कीमत घणी है, पैसा घणा है, कीमत है ना 190, हां है ना 85 आहन डुकी ना वेल, अच्छा वेल ठीक है ठीक है, गुड बाय। और ये हैं सर गायें, गायें अच्छी से अच्छी भी हैं और हल्की भी हैं थोड़ी, साई इन जो कह रहा धनी साई घणी जिया को रेट वेट को कीमत बुधायो इन जी, हाँ अलग खबर ही कोने, 80-85 इन जी लख भी मानी 80 का शुरू थी, 1.5 लख ती, हाँ हाँ
ठीक है ठीक है। ज़्यादातर यहाँ पर भैंसें मुझे नज़र आ रही हैं, गाय कम है, गाय कम है। ये बड़े सींगों वाली गाय सुना गणेश जी आई गऊ चाचा चाचा इनकी कीमत गणिया आए गणेश जी अरे बोलो अच्छा चाचू बे उतार दिया सही गणेश जी आई ढप भी लगे पे बाबा लख चालीस जी ठीक है हाँ ये आए ढुकी वुकी आए या ढुकी है ठीक है लख चालीस हज़ार गुड सही भैया अच्छी भी अच्छी भी कुंडी नस्ल कुंडी नस्ल ये हमारे पास भी होती थी गांव में एक कुंडी नस्ल इनके सींग जो होते हैं वो मुड़े हुए होते हैं 2-3 लाख दो 3 लाख से 1 लाख ही ज्यादा है ना 2-3 लाख से 1 लाख ज्यादा 4 लाख हो गया 2 लाख चाचा नहीं बोल भाई बोल दे बड़ा भाई भाई ठीक है क्या बेच रहा है दूध यहीं से निकाला होगा मंडी से निकाल के बेच रहा है फिर नहीं हाँ घर से लाया है माशाल्लाह कहाँ जाएगा घर कहाँ है अरे आश्रम नगर से यहाँ आया तू अरे के रही चौहान आयो अरे उनके सुझाण बोलोचा चौहान के हाँ ठीक है ठीक है तहाँ भी चौहान आयो सुमरो माशाल्लाह हाँ तहाँ सब चौहान इतने कट थे आयो ठीक है गणेश जी 1500 रुपए जी हाथ से ठाला हाथ से हैंडमेड है खूबसूरत है सोनी है माशाल्लाह पान ठांदा हो जी हां बस ठीक है आए न मानू खरीद न खरीद करना है हां खरीद का ये आए मेहन जला है और ढगिन जला है मेहन जला ठीक है मुझे मिले और मैं समझ रहा जानवरों के लिए लेकिन वो कह रहा नहीं ये शादी में जो सहरा बांधा जाता है टिपिकल सहरोवा सर 1500 रुपए ठीक आए सुठो यार कितने की है 400 जोड़ी तो भाई मुआयना तो आपको करा दिया सर्जरी हुआ है या डिटेल में हुआ है कई सालों के बाद मैं आया हूँ मंडी के अंदर और हो सकता है कुछ और खुफिया चीज़ें भी हों जो मुझे मालूम ना हो लेकिन कुछ चीज़ें तो हैं ख़ास तौर पर एक चीज़ ये जितनी भी मंडियां लगती हैं इन सब के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यानी कि ठेके होते हैं और ये ठेके सियासी बुनियादों पर दिए जाते हैं और इनके लिए बड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं बाज़ औक़ात लोग कत्ल भी होते हैं ये पीढ़ी जो है मवेशी मंडी पहले शहर के पास ही लगा करती थी खैर इंतजाम में मसाइल होते थे तो शहर से बाहर कहीं मुंतकिल की गई तो वहाँ एक और सियासी रहनुमा वो चाहते थे कि भाई ये उनकी इसका कॉन्ट्रैक्ट उनके पास हो लेकिन उसके लिए बड़ी फिर लड़ाइयाँ लड़ी गई और लेकिन आखिरकार फाइनली जो सियासी शख्सियत मैं डिस्क्लोज तो नहीं करूँगा ठीक है हाँ थोड़ा बच बच आगे चलना पड़ता है जिनकी सोर्स ज़्यादा थी तो आखिर फाइनली ये उन तक पहुंच गई और उन्होंने उसके लिए ये जगह तयन किया इस जगह का और यहाँ पर क्यों क्योंकि इससे पैसे मिलते हैं यहाँ पर जो भी जानवर आता है आने के तो शायद पैसे नहीं है लेकिन जाने के पैसे हैं जो ख़रीद के लेके जाएगा या शायद आने के भी हैं ये मैं पूछता हूँ किसी से हाँ तो मैंने इन्फॉर्मेशन ले ली है कि जो जानवर यहाँ आएगा फी जानवर वो अब 100 रुपया नाके पे या चुंगी पे जो भी वो आप कटवा के जानवर ले आएंगे यहाँ पर लेकिन जब वो बिक जाएगा तो दोनों पार्टियां पैसे देंगी उसमें फिर थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन है कि भाई वो नया जानवर है थोड़ा ओल्ड है
और एक एक पार्टी 800 देगी, दूसरी 1000 देगी, इस तरह से करके कुछ है, लेकिन फिर आपको पैसे दोनों पार्टियों को देने पड़ेंगे। और एक दफ़ा आप जानवर यहाँ ले आए, वो नहीं बिका, आप 10 जानवर लाए थे, आपने 1000 पे किया, अब वापस चले गए, नेक्स्ट पीढ़ी जब लगेगी, मंडी लगेगी बुध को, जब दोबारा आएंगे तो फिर आपको नए सिरे से पैसे पेड करने पड़ेंगे। तो इसीलिए ये तमाम जो सियासी जमातें हैं या उनके जो सरकर्दा लोग होते हैं, वो इनके कॉन्ट्रैक्ट में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि इससे अच्छी खासी अर्निंग होती है, और जो पैसे आप वहाँ पेड करते हैं डीसी ऑफिस में या इंतज़ामिया को, वो काफ़ी कम होते हैं। तो ये एक बिजनेस है चल रहा है। तो भाई ये है मवेशी मंडी मीरपुर खास की, कोशिश की हमने कुछ बेतरतीब चीज़ें आपको दिखाने की, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अब मुझे वापस जाना, और वापस जाना भी काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ से शहर 4 किलोमीटर के करीब, तो उसके लिए कुछ सवारी ढूंढते हैं। थैंक यू जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।